हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर भारत मारे ब्लॉग्स पर। और आज के दिन देखिए, हम हमारे यहाँ पर आए शंकर हाइट में, जो कि आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आज के महाशिवरात्रि की बहुत अच्छी तैयारी हुई है और यहाँ पे देखिए आप सुन रहे होंगे कि भजन की आवाज़ भी आ रही है। तो देखिए, मैं मेरे वीडियो में बने रही है, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तैयारी यहाँ पर की गई है और ये तैयारी तकरीबन 2 दिन पहले से ही की गई है बहुत अच्छे से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है जो कि शंकर हाइट में आया हमारे अंबरनाथ वेस्ट में। देखिए, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पर जब से पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना हुई है, यहाँ पर हमेशा हर सैटरडे बोलो या हमेशा हर मंडे बोलो, बहुत अच्छे से यहाँ पर पूजा की जाती है। और बहुत यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का माहौल इतना अच्छा हो गया दोस्तों कि एक बोलते हैं ना कि जिस तरह से हम सुकून सा महसूस होता है, ऐसा एक माहौल यहाँ पर बन चुका है। और अभी देखिए, मैं पशुपतिनाथ महाराज के आपको दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये जो है शिवपिंड पशुपतिनाथ मंदिर, ये देखिए आप देख सकते हो। और आज के दिन रश भी है थोड़ा, क्योंकि आज के दिन है महाशिवरात्रि का दिन और हम पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये हवन कुंड भी बनाया हुआ है, हवन कुंड हवन हुआ है और यहाँ पर भजन भी चल रहा है, बहुत अच्छा वातावरण है। और ये देखिए मंदिर, मैं आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर से नीचे तक मंदिर को मैंने दिखाया आपको। और देखिए यहाँ पर खीर भी रखी हुई थी कि जो भी आते उन्हें खीर दी जा रही थी, तो देखिए प्रेरक ने खीर पी। आप देख सकते हो, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आगे लेकर जाता हूँ। और देखिए, अभी करुणा है यहाँ पर हवन कुंड के पास और पूजा कर रही है। बहुत यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। और महाशिवरात्रि का दिन है, शिव जी का दिन है हमारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कभी भी हमारे अंबरनाथ आते हो, जो भी अंबरनाथ आता हो, तो एक बार तो भी हमारे यहाँ पर आए वेस्ट में, अंबरनाथ वेस्ट में आइए। पशुपतिनाथ मंदिर है और पशुपतिनाथ मंदिर में आके हमारे शिव जी का दर्शन करके ले जाइए। बहुत धूमधाम से यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। तो देखिए, दर्शन हो गए, अभी हम बाहर की ओर निकल चुके हैं दोस्तों। ये देखिए बाहर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शिव जी का देखिए कितना बड़ा प्रतिमा यहाँ पे लगाया हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं हमारे शॉप की तरफ, वहाँ पर भी एक पंडाल बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी हम आ चुके हैं और ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभु, भोलेनाथ। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है, शिव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हम यहाँ से दर्शन करके आगे की ओर बढ़ते हैं, बम बम भोले। और देखिए अभी हम आगे की ओर निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, और भी एक मंदिर है शिव जी की, वो हम आपको दिखा देते हैं।
तो यहाँ से निकल चुके हैं हम बाइक पर। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करिए, और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए अभी बाइक में आपको देखिए सामने दिख रहा है जो बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में हमें जाना है, और वहाँ पर भी एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ मैं आपको लेकर जाता हूँ और आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमने लगा दी है, और अभी चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ के भी आपको दर्शन करवा देता हूँ। मम्मी आगे निकली थी तो मम्मी हमें यहाँ पर ही मिलेंगी। तो आगे बढ़ते दोस्तों। ओम नमः शिव जी का ये हमारे यहाँ पर ही मंदिर है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज के महाशिवरात्रि है तो आपको यहाँ के भी दर्शन करवा दूँ जितना हो सके, तो आपका भी दर्शन हो जाए। देखिए मम्मी सामने खड़ी हुई है, मम्मी हमसे पहले पहुँच चुकी थी। जय नंदी, नंदी बाबा की जय हो। देखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभु। देखिए दोस्तों अभी हमारा जो सोसाइटी का मंदिर है हम वहाँ पर आए हैं, शिव जी का मंदिर है, हमें यहाँ पर भी दर्शन करने आना था इसलिए अभी हम वहाँ से इधर आ गए, तो आपके भी दर्शन करवाते हैं दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए अभी मम्मी और करुणा है साथ में, और शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, शिव पिंड पर जल चढ़ा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और महाशिवरात्रि के दिन आपके भी दर्शन मैंने करवा दिए शिव जी से, शिव जी के आपको भी दर्शन मिल गए। देखिए दोस्तों आज के दिन हमें महाशिवरात्रि के दिन हम यहाँ पर हमने कुछ सेवा का सोचा था और हमने कुछ थोड़ा बहुत किया, और हमने आज के दिन पाव भाजी रखी है दोस्तों, कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं वो पाव भाजी खाए, और साथ में हमने जूस भी रखा हुआ है। तो दोस्तों यही होता है बटर पाव कि हर एक त्यौहार को बहुत खुशी से मनाना चाहिए, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, और हर एक इंसान की सेवा करनी चाहिए। इसमें यही है दोस्तों कि आप सेवा करोगे तो आपको भी सेवा मिलेगी, और आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। मगर जितना हो सके आपको ये देखना है कि अपने हाथ से अच्छा हो, और जितना अच्छा आप कर सको तो अच्छा आप कर सकते हो। इधर से बेटा, उधर से बोल, सेवा करिए। जय भोलेनाथ, जय जय प्रभु। ये वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हमें आज के दिन बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से हम हर साल करते आते थे, और आज भी ये साल भी हमने छोड़ा नहीं, घर पे हमको करना था तो हमने किया है, और ऐसा हम हमेशा करते रहेंगे। जितना सेवा होती है ना दोस्तों, मैं तो सभी से कहता हूँ कि जितना आपसे बनता है, जितना भी बनता है तो आप सभी करें और आगे बढ़िए, दूर से ले दूर रहिए, अपने से जितना होता है आप कर सकते हो, और जितना अच्छे काम आप कर सकते हो वो आपके लिए अच्छा फलदायी है, मगर सेवा करना ना छोड़े। जय भोलेनाथ, जय प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तो दोस्तों आप ये बताइए मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, अगर पसंद आता हो तो लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।